नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओएसआई मॉडल, कि ओएसआई मॉडल क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो सबसे पहले ओएसआई का अर्थ है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो ये बताता है कि एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन फिजिकल माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र की जाती है या किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ओएसआई मॉडल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1977 में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन 1984 में इसे पब्लिश किया गया। आईएसओ ने एक कमेटी बनाई और उसको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ओपन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किया जाए, जिसके थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नेटवर्क सिस्टम से होते हुए या एक कंप्यूटर से होते हुए किसी दूसरे कंप्यूटर पर किस तरह से अप्रूव हो, ताकि उसका मैकेनिज़्म पूरे वर्ल्ड में सिमिलर रहे और किसी भी तरह का एप्लीकेशन सपोर्ट कर सके। जब ओएसआई मॉडल बना तब से लेकर आज तक हर कंपनी इसको फॉलो कर रही है और अपने जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर हार्डवेयर बना रही है या जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन कर रही है वो इस रेफरेंस मॉडल को रेफरेंस मानते हुए या इसके रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपने डिवाइस डेवलप करती है, ताकि कंप्यूटर वर्ल्ड में एक यूनिटी बनी रहे, एक कम्युनिटी बनी रहे और एक सिमिलर प्रॉपर्टी के डिवाइसेस डिज़ाइन होते रहें और जो किसी भी एप्लीकेशन पर आसानी से एग्जीक्यूट या रन किए जा सके। नेटवर्किंग डिवाइस जो हैं TCP/IP मॉडल पर निर्धारित होते हैं और इसमें OSI मॉडल को रेफरेंस में रख कर ही उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। एक OSI मॉडल की अगर वर्किंग देखें तो एक OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और एवरी लेयर का एक विशेष नेटवर्क फंक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। OSI मॉडल पूरे कार्य को 7 छोटे छोटे सेगमेंट में बांटती है और प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष योगदान होता है। यह एक तरह का कंसेप्चुअल मॉडल भी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मानकीकरण के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं वो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग निर्धारित किए गए हैं। OSI मॉडल का जो आर्किटेक्चर है उसे दो भागों में बांटा गया है, पहला है होस्ट सर्वर की वर्किंग पर और दूसरा है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के आधार पर। यानी OSI मॉडल की जो 7 लेयर डिज़ाइन की गई हैं उन लेयर के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होस्ट और सर्वर, इसके साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होती है। यानी जब भी हम नेटवर्किंग में काम करते हैं तो हमें पता है या हम देखते हैं कि एक होस्ट होगा या एक सर्वर होगा और उन दोनों का जो काम होगा कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के आधार पर किया जाएगा। इसका का डायग्राम जैसा कि डिस्प्ले में दिखाया गया है, इसमें 7 लेयर हैं। सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर और सिक्स्थ जो है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवन्थ जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। पहली तीन लेयर यानी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है नेटवर्क को और साथ में ये मैकेनिज्म बनाती है कि उसका हार्डवेयर पार्टीशन किस तरह से वर्क करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये रिस्पॉन्सिबल बनाती है एक होस्ट के लिए और इन्हीं लेयर के अकॉर्डिंग
जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट जो लेयर है वो इस OSI मॉडल की एक हर्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी जितना भी ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट लेयर के अकॉर्डिंग करेगा, यानी इसमें जो मेन लेयर है वो एक ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे निचली परत होती है, यानी डिवाइस में जो हार्डवेयर कनेक्टिविटी बनेगी या फिजिकल जो कनेक्शन बनेगा वो फिजिकल लेयर के अकॉर्डिंग बनेगा। फिजिकल लेयर में बिट्स के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और अलग अलग नोड में बिट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र की जाती है। फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर के साथ कनेक्टेड होती है और इसमें जो सिग्नल प्राप्त होते हैं या डिवाइस में सिग्नल जो ट्रैवल करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में किए जाते हैं और ये सिग्नल डेटा लिंक लेयर पर भेजे जाते हैं। फिजिकल लेयर यह डिफाइन करती है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं उनको फिजिकल माध्यम में किस तरह से कनेक्ट किया जाए। 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए या जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसको जोड़ने के लिए नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर काम करती है। फिजिकल लेयर पर काम करने वाले मुख्य जो डिवाइसेस हैं जैसे रिपीटर है, हब है, मॉडम है एंड केबल्स हैं, और इस लेयर पर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो ISDN, RS-232 या BASE-TX नाम के जो प्रोटोकॉल हैं इस लेयर पर काम करते हैं। फिजिकल लेयर के बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर किसी भी मैसेज के नोड को एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफ़र करती है तथा डेटा के फॉर्मेट को निर्धारित करती है। डेटा लिंक लेयर एक मेन वर्क के अकॉर्डिंग काम करती है। ये क्या करती है, फिजिकल लेयर से डेटा गेट करती है और दूसरी लेयर पर ट्रांसफ़र कर देती है। फिजिकल लेयर से जो भी सिग्नल मिले हैं वो इसको 0 और 1 के फॉर्म में मिलते हैं। एवरी डेटा लिंक लेयर का कोई ना कोई एक मैक एड्रेस होता है और वो होस्ट के रूप में काम करता है। डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर होती हैं, जिसमें पहली लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर, दूसरी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एक होस्ट से दूसरे नेटवर्क में स्थित डेटा का प्रसारण करती है। यह पैकेट के रूप में डेटा ट्रांसमिट करती है, यानी इसके थ्रू जितने भी वैल्यू जुड़ी हुई हैं वो पैकेट के रूप में ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारी लेयर आती है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक एप्लीकेशन लेयर के रूप में काम करती है जो नेटवर्क लेयर से वैल्यू को गेट कर नेक्स्ट लेयर पर ट्रांसमिट करती है। OSI मॉडल का जो हार्ट है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये लेयर क्या करती है, जितना भी इसके पास मैसेज होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी तक पहुंचाने का काम करती है। इस लेयर पर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो TCP, UDP नाम के 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं जिसके थ्रू वैल्यू ट्रांसफ़र की जाती है। इस लेयर के बाद आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का काम करती है। ये रिमोट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी काम करती है। यह एक लॉजिकल कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करती है जो यूज़र को प्रोवाइड करवाती है। यह लेयर लॉग ऑन या पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए भी काम करती है। इसके बाद जो लेयर आती है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर प्रॉपरली प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर के डेटा को यहाँ से निकाला जाता है और नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए यह इंक्रिप्शन का यूज़ करती है।
इनक्रप्शन के लिए पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर नेटवर्क के रूप में ट्रांसफ़र करती है। प्रेजेंटेशन लेयर बिट्स की संख्या को कम करती है तथा नेटवर्क पर उसे प्रसारित करती है। इस लेयर के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो है SSL, TLS, ASCH और MPEG नाम के प्रोटोकॉल काम में लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की सबसे टॉप लेयर होती है या 7th लेयर होती है। यह एंड यूज़र या यूज़र एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करती है। यह लेयर नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देती है। एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन पार्टनर को पहचान कर उसके साथ प्रोसेस करती है और यूज़र को रिमोट होस्ट पर लॉगिन करने की परमिशन भी देती है। यह लेयर विभिन्न ईमेल सेवाएं प्रोवाइड करवाती है और इस लेयर पर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनमें जो प्रोटोकॉल काम में लिए जाते हैं जैसे वो हैं SMTP, HTTP, FTP, POP3, SNMP। ये सारे प्रोटोकॉल इस लेयर पर काम करते हैं। थैंक यू।